नमस्कार, एसटी टीवी न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम विशेष मुलाकात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद है रुद्रपुर पंतनगर एयरपोर्ट पर, जो दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद दूसरा बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। आज हम एयरपोर्ट डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सिंह से एक्सक्लूसिव बात करेंगे। मिस्टर संजीव कुमार सिंह, जिन्होंने IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से ऑपरेशन मैनेजमेंट में MBA किया है। इसके अलावा उन्होंने AMPAP में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA से भी ग्रेजुएशन किया है, तथा ये 2016 से एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल कनाडा द्वारा सर्टिफाइड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोफेशनल। इसके अलावा इनकी कई उपलब्धियां भी हैं। ACI के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। इन्होंने 2016 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में एशिया पैसिफिक यंग एग्जीक्यूटिव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई एविएशन मैनेजमेंट से संबंधित कई सेमिनार में भाग लिया है। इनको डिपार्टमेंट से कई सराहना पत्र भी मिल चुके हैं। इन्होंने कई एयरपोर्ट्स पर कई पोजीशंस पर कार्यभार संभाला है। अब ये पंतनगर एयरपोर्ट पर कार्यरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका STN TV न्यूज़ चैनल उत्तराखंड में, और आज हम आपको दिखा रहे हैं पंतनगर का एयरपोर्ट, जो कि बहुत जल्दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदलने जा रहा है। आज हमारे साथ हैं पंतनगर एयरपोर्ट के माननीय श्री SK सिंह जी, जो कि एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि पंतनगर एयरपोर्ट पर क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं और क्या क्या नया आने वाला है। सर, आप बताएंगे कि हमारे एयरपोर्ट पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि पैसेंजर्स को दी जाती हैं, और क्या क्या यहाँ पर नया आने वाला है। नमस्कार, मैं SK सिंह, एयरपोर्ट डायरेक्टर पंतनगर एयरपोर्ट। और पंतनगर एयरपोर्ट जो वर्तमान में अभी 267.92 एकड़ लैंड में स्थित है, और यहाँ का रनवे जो है ATR प्लेन्स के लिए कॉम्पेटेबल है। और यात्री सुविधाओं में जो पहले फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम इस एयरपोर्ट पे नहीं था, वो अभी लग गया है। मॉडर्न ऑडियो सिस्टम जो पैसेंजर्स को अपडेट करता रहता है फ्लाइट्स के बारे में, और ट्विटर अकाउंट है जहां से पैसेंजर्स को फ्लाइट डिले है या कब आ रही है ये अपडेट होता रहता है। हमारे एयरपोर्ट का फेसबुक अकाउंट है, यहाँ से पैसेंजर्स अपने फीडबैक दे सकता है और शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज को। और इस एयरपोर्ट पे अभी पैसेंजर सुविधाओं में हम नए टर्मिनल बिल्डिंग जो अभी नए एयरपोर्ट्स में बनना है उसको तो हम लोग देख ही रहे हैं, जो मॉडर्न इस बिल्डिंग को भी एक्सपेंड कर रहे हैं, और जल्दी ही वो सुविधा पैसेंजर्स को यहाँ पे मिल जाएगी। टॉयलेट्स जो प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान है उनके अंतर्गत हम लोग नए टॉयलेट्स भी यहाँ पे बना रहे हैं सिटी साइड में, एयर साइड में। इस प्रकार लगातार हम पैसेंजर सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। अभी जो एडल्ट पैसेंजर्स हैं, जो वयस्क हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए सिटी साइड में हम लोग कैनोपी की व्यवस्था कर रहे हैं। जो पैसेंजर्स यात्रियों को छोड़ने के लिए आते हैं वो अभी धूप में या बारिश में बाहर रहते हैं, तो उनके लिए कैनोपी की व्यवस्था भी यहाँ पे की जा रही है। एयरपोर्ट पे क्या नियम है, क्या कानून है, क्या यहाँ पर हम ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं? कुछ चीज़ें वर्जित ही होती हैं, क्या आप बताएंगे वो क्या क्या है? एयरपोर्ट पे जैसा कि वायुयात्री यहाँ से जाते हैं तो इसमें एक्सप्लोसिव आइटम्स, एरोसोल आइटम्स या जो शार्प चीज़ें हैं, जैसे नाइफ हुआ, स्विस नाइफ हुआ, इस टाइप के बहुत सारे लिस्ट हैं हमारे पास, वो लिस्ट आपको हम बता देंगे बाद में। तो वो इस टाइप की चीज़ों को जो भी पैसेंजर वो इस टाइप के आइटम्स को चेक इन बैग में ले जा सकता है, चेक इन बैग में एक्सप्लोसिव आइटम को छोड़ के बाकी नाइफ और ये सब सारी चीज़ें ले जा सकता है। और हैंड में केवल ऐसी चीज़ें जो कि दूसरों को नुकसान न पहुँचा सकती हैं, इस टाइप की चीज़ों को वो ले जा सकता है। कुछ लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आएंगे,
तो उनके लिए कुछ ऐसे नियम जो उन्हें ना पता हो या कुछ? उसके लिए हमारा फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम है, जिसमें हिंदी में सारी जानकारी अवेलेबल रहती है, इंग्लिश में रहती है, बाई लैंग्वेज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम है। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो ऐसे यात्रियों को जिन हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एयरलाइंस का स्टाफ है जो लगातार ऐसे यात्रियों को जिनको ट्रेवल करने में परेशानी आती है, हम लोग तत्पर रहते हैं उनको सेवा देने के लिए। सर, आप पंतनगर एयरपोर्ट के बारे में कुछ बताइएगा, जिससे हमारी जनता को पता चले कि पंतनगर एयरपोर्ट पे क्या क्या है। वर्तमान में जो हमारा ये पंतनगर एयरपोर्ट है, इसमें अभी एयरलाइंस के तौर पे अभी एयरलाइंस एयर की एक फ़्लाइट चल रही है जो पंतनगर से दिल्ली है। आरसीए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में शीघ्र ही दो नई फ़्लाइटें यहाँ पे एयर डेकन एयरलाइंस की आ रही हैं, जो दिल्ली पंतनगर देहरादून और देहरादून पंतनगर दिल्ली कनेक्ट करेंगी। और वो आरसीएस के अंतर्गत हैं, इसलिए उसमें 50% सीट लो फेयर में रहेगी। और इसके अलावा पंतनगर एयरपोर्ट पे जो सुविधाएं आपको बताया, इसके अलावा हमारा फायर सेक्शन है, एक अंबर एविएशन करके एक हमारा फ्लाइंग क्लब है यहाँ पे चलता है। 1372 मीटर का रनवे है जो ATR कंपेटेबल है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। और इसके अलावा और जो यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं, कैंटीन और अदर, वो हम अभी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और शीघ्र ही और भी नई सुविधाएं यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगी। सर, अंबर एविएशन के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? फ्लाइंग क्लब यहाँ पे अंबर एविएशन करके चलता है, जो पायलट्स की ट्रेनिंग देता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, वो 6 to 1 year का कोर्स है। और ये लगातार यहाँ पे चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है। सर, जो हमारा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंतनगर में आने वाला है, उसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताएंगे? जी, अभी क्योंकि ये हमारा जो वर्तमान में रनवे है वो केवल ATR प्लेन्स के लिए कंपेटेबल है, जिसमें बड़े बोइंग प्लेन उतर नहीं पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे आवश्यकता जनरेट हुई कि बोइंग उतारने के लिए हमें रनवे बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी बातचीत लगातार राज्य सरकार से हो रही है। और अकॉर्डिंग टू डिमांड, वोलाटाइल डिमांड ऑफ द पैसेंजर्स, वी आर और एक नया हम लोकेशन यहाँ पे देख लिए हैं, और जिसपे सारा कुछ वो इकाऊ एनेक्सर 14 के अनुसार वो नया लोकेशन कंपेटेबल है, और वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट शीघ्र ही आ रहा है, जिसमें बहुत सारी नए फैसिलिटी जैसे एरो ब्रिज और डिपार्चर लाउंज, अराइवल लाउंज, फ्लोर वाइज, और लेटेस्ट पार्किंग बेज उसमें 28, और अदर थिंग्स लाइक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, रडार, और सारा कुछ उसमें कंपेटेबल हो रहा है, जिससे कि ख़राब मौसम में भी यहाँ पे बड़े जहाज बोइंग 737, 747, एयरबस A320, A321 सारे लैंड कर सकेंगे। और इस पर चल रहा है, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविलेशन में राज्य सरकार की तरफ से वो फाइल जा रही है। सर, प्रधानमंत्री की योजना उड़ान के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? उड़ान योजना के तहत यहाँ पे एयर डेकन, जैसा बताया हमने कि एयर डेकन की एक फ़्लाइट शुरू हो रही है, और वो छोटे छोटे एयरपोर्ट्सों को कनेक्ट करेगी। और जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे पास अभी उत्तर प्रदेश के दो एयरपोर्ट, मुरादाबाद बरेली और यहाँ पे पिथौरागढ़, तो मुरादाबाद और पिथौरागढ़ ये एयरपोर्ट करीब करीब तैयार होने जा रहे हैं। पिथौरागढ़ पूरी तरह तैयार हो गया है, एरोड्रम लाइसेंसिंग के लिए गया हुआ है, तो वो पंतनगर से छोटे एयरक्राफ्ट से वो एयरपोर्ट जुड़ेगा। आप देख रहे हैं STN TV न्यूज़ चैनल, जिस पर हम आपको दिखा रहे हैं पंतनगर एयरपोर्ट के बारे में। सर, प्रधानमंत्री की योजना उड़ान के तहत जो नए रेट लाए हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, उड़ान जो स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत हमारी जो अभी प्रेजेंट एयरपोर्ट से भी अभी शीघ्र ही एक एयर डेकन एयरलाइंस शुरू हो रही है, जो पंतनगर दिल्ली और पंतनगर देहरादून को कनेक्ट करेगी। इसके अलावा और भी कनेक्टिविटी शिमला,
बुंतर और एयरपोर्ट्स, आगरा एयरपोर्ट्स, ये भी थ्रू दिल्ली कनेक्ट होंगे। और इसमें जैसा कि उड़ान स्कीम के तहत 50% जो सीट्स रहेगी वो 500 से 2500 के बीच रहेगी। तो इससे और जो हमारी कुमायूं रीजन की जो पब्लिक है, जो करीब पहाड़ों पे 50 लाख की पॉपुलेशन है, वो एयर ट्रेवल के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। सर, उड़ान प्रोजेक्ट के तहत और कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जो कि